भोजपुर के लोगों के लिए सोमवार का दिन मुसीबत भरा रहा, जिससे लोग काला सोमवार कहने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज अहले सुबह फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, वहीं दोपहर तक एक और घटना ने लोगों के होश उड़ा दिए। मामला नवादा थाना क्षेत्र के 0 माइल ओवर ब्रिज के पास की है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक का इंजन फेल हो जाने के कारण कई लोगों व वाहनों को रौंदते हुए एक पेड़ में टकरा गई, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि इस हादसे में एक दर्जन लोग जख्मी हो गए, जबकि 8 वाहन जिसमें ट्रैक्टर कार मोटरसाइकिल शामिल है को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे वह चकनाचूर हो गए। ट्रक इतनी तेज थी कि कई वाहन के परखच्चे भी उड़ गए। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी लोगों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया। एक तेज रफ्तार ट्रक 0 माइल मोड़ की तरफ से आरा शहर की ओर आ रहा था और तेज रफ्तार में होने के कारण उसका ब्रेक फेल हो गया, जिसके कारण कई कार बाइक और ट्रैक्टर पर चढ़ाते हुए ट्रक एक पेड़ से जा टकराया। इस पूरे घटना में करीब एक दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया है, जबकि ट्रक ड्राइवर और खलासी भागने में सफल रहे हैं। घटना को लेकर इलाके में काफी तनाव है व पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर कैंप कर रही है। भोजपुर के लोगों के लिए सोमवार का दिन मुसीबत भरा रहा, जिससे लोग काला सोमवार कहने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज अहले सुबह फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, वहीं दोपहर तक एक और घटना ने लोगों के होश उड़ा दिए। मामला नवादा थाना क्षेत्र के 0 माइल ओवर ब्रिज के पास की है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक का इंजन फेल हो जाने के कारण कई लोगों व वाहनों को रौंदते हुए एक पेड़ में टकरा गई, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि इस हादसे में एक दर्जन लोग जख्मी हो गए, जबकि 8 वाहन जिसमें ट्रैक्टर कार मोटरसाइकिल शामिल है को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे वह चकनाचूर हो गए। ट्रक इतनी तेज थी कि कई वाहन के परखच्चे भी उड़ गए। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी लोगों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया। एक तेज रफ्तार ट्रक 0 माइल मोड़ की तरफ से आरा शहर की ओर आ रहा था और तेज रफ्तार में होने के कारण उसका ब्रेक फेल हो गया, जिसके कारण कई कार बाइक और ट्रैक्टर पर चढ़ाते हुए ट्रक एक पेड़ से जा टकराया। इस पूरे घटना में करीब एक दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया है, जबकि ट्रक ड्राइवर और खलासी भागने में सफल रहे हैं। घटना को लेकर इलाके में काफी तनाव है व पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर कैंप कर रही है। कहाँ से आ रही थी आप? स्कूल से। हम लोग बाइक से जा रहे थे ब्रिज पे, वहाँ से एक ट्रक सबको धक्का मारते मारते आया। मैं और मेरा दोस्त था और फिर हम लोग बाइक से उतरने लगे, इतने में धक्का मार के चला गया पूरा और बहुत से लोगों को पीट लिया। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रज्वल। कितने लोग जख्मी हो गए? नहीं जख्मी है, हाँ कोई गाड़ी पे मोटरसाइकिल ना मोटरसाइकिल ना ठीक ठाक किया था, कैसे हॉस्पिटल जो खा कर अपने हॉस्पिटल में गया था। क्या नाम आपका?
आपका नाम? हमारा नाम अभी एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ओवर ब्रिज के पास में इसमें चार व्यक्ति यहां लाए गए हैं, तीन पुरुष और एक महिला जो गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन दो की पैर की जो हड्डी का फ्रैक्चर है और चोट है। इन सभी अभी खतरे से बाहर हैं, इनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद इनको वार्ड में रखा जा रहा है और इनका फिर जांच कराकर और